हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो बायोमेट्री के सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं प्रिंट नोट्स ए डिस्टेंस अवे। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट्स हम लोग अपने बायोमेट्री में ही डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे ट्री की तरफ। तो ये रहा हमारा बायोमेट्री, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंट नोट्स के डिस्टेंस अवे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वो सारी नोट्स प्रिंट करनी है जो कि एक गिवन नोट से के डिस्टेंस की दूरी पे है। सपोज वो गिवन नोट है 5, तो इस 5 से के डिस्टेंस की दूरी पे, सपोज वो डिस्टेंस है 3, इस 5 से 3 डिस्टेंस की दूरी पे कौन कौन सी नोट्स हैं। तो ट्रैवल करते हैं, 5 से इधर ट्रैवल किया 1 डिस्टेंस पे तो 10 है, इसके बाद नोट्स ही नहीं है तो इधर कोई नोट मिलेगा नहीं। इधर ट्रैवल किया, फर्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल की, सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल की, थर्ड डिस्टेंस ट्रैवल की, हमें मिल गया 8। इधर से थर्ड डिस्टेंस ट्रैवल की, हमें मिल गया 9। इधर से सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल की, मिला 1। इधर से थर्ड डिस्टेंस ट्रैवल करी, मिला 3। तो हमारे पॉसिबल आंसर्स क्या हो गए, 8, 9 and 3। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए अप्रोच सोचेंगे कि कैसे हम ये इन आंसर्स तक पहुंचेंगे। तो अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन से पहले आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, अगर नहीं किए हैं तो जा करके इन क्वेश्चंस की पहले वीडियो सॉल्यूशंस देख लें, उन्हें समझ लें, तब ये क्वेश्चन समझना और भी ज़्यादा आसान होगा। वो क्वेश्चन क्या थे, प्रिंट नोट्स के लेवल्स डाउन, एंड सेकेंड वन इज प्रिंट नोट टू रूट पाथ। मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ इन दोनों क्वेश्चंस के, कि इन क्वेश्चंस में हुआ क्या था कि इसमें हमें एक नोट गिवन होती थी, सपोज वो नोट 5 ही है, उस नोट से के लेवल्स डाउन मींस व्हाट इज द फर्स्ट लेवल, 1 लेवल डाउन फ्रॉम 5, 1 लेवल डाउन इज 10, फ्रॉम 1 लेवल डाउन इज 3 and 2, फ्रॉम 1 2 लेवल्स डाउन इज 6 एंड 7 एंड 4 एंड 5। तो 5 से 1 लेवल डाउन 10 है, सपोज हमने कहा 5 से 3 लेवल्स डाउन, तो 5 से 3 लेवल्स डाउन तो कुछ भी नहीं है ना, 1 लेवल डाउन है ही नहीं, नथिंग। प्रिंट नोट टू रूट पाथ के लिए हमें एक नोट गिवन है सपोज 5, इस 5 से हम रूट की तरफ जाएंगे, इस 5 से हम रूट की तरफ जाएंगे, रूट हमारा 1 है, तो हमें रास्ते में क्या क्या मिला, इस पाथ में हमें 5 मिला, 2 मिला, 1 मिला, तो हमारे आंसर्स क्या हो जाएंगे, 5, 2, 1, कि हमारा नोड टू रूट पाथ हो गया, ये नोड है, ये रास्ते में मिला, ये रूट है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि इन दो क्वेश्चन की हेल्प से कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ये दो क्वेश्चंस किस तरह से हेल्प करेंगे हमारी, देखते हैं। जब हम 5 पे थे तब हमें 3 लेवल्स डाउन चाहिए था ना, जब हमें 5 पे थे तो हमें 3 लेवल्स डाउन चाहिए था, जो कि 3 लेवल्स डाउन कुछ था नहीं, वो तो ट्री की वजह से है क्योंकि 3 लेवल्स डाउन पे तो कुछ है ही नहीं। जब हम 2 पे थे मींस इधर से एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हमें 2 लेवल्स डाउन चाहिए था ना, 1 लेवल 2 लेवल, ठीक है। जब 1 पे थे तो हमें 1 लेवल डाउन चाहिए था, ठीक। अब एक चीज़ और आती है कि केवल यही 5, 2 और 1 से ही तो चाहिए था, और 5, 2, 1 क्या थे, नोट टू रूट पाथ में ही तो आते थे, तो 5 से हमें 1 लेवल डाउन जाना था, 2 से हमें 2 लेवल्स डाउन जाना था, 1 से हमें सॉरी 5 से हमें 3 लेवल्स डाउन जाना था, 2 से 2 लेवल्स डाउन, 1 से 1 लेवल डाउन, दीज आर द लेवल्स। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे इसने काम किया अपना। तो 5 से 3 लेवल्स डाउन जाने के लिए, ठीक है, हमने देख लिया कुछ नहीं है,
टू से टू लेवल्स डाउन जाने के लिए एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। इस रास्ते में आएंगे, टू लेवल्स डाउन जाएंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। पर जब हम इस रास्ते में आएंगे तो टू लेवल्स डाउन भी जाएंगे ना, तो भी हमें हमारा आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि टेन तो हमारे आंसर में है ही नहीं। टेन तो फाइव से थ्री लेवल्स डाउन है, थ्री डिस्टेंस अवे है ही नहीं। टेन तो फाइव से वन डिस्टेंस अवे है ना, तो हमें इस रास्ते को नहीं अपनाना है, हमें ये रास्ता डिस्कार्ड करना है, इस रास्ते पे नहीं जाना है। अब वन से वन लेवल डाउन जाएंगे तो इधर जाएंगे, तो हमें आंसर मिलेगा अपना थ्री। थ्री फाइव से थ्री डिस्टेंस की दूरी पे है, पर अगर इधर जाएंगे तो ये आंसर नहीं, ये रास्ता नहीं जाना है, क्योंकि इधर से वन लेवल डाउन पे तो हमें टू मिलेगा, और टू वाले रास्ते पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि टू फाइव से थ्री डिस्टेंस पे है ही नहीं। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जब हम के लेवल्स डाउन निकालेंगे ना, तो हमें इस रास्ते पे जाना है, इस रास्ते को ब्लॉक करते हुए जाना है। वैसे ही टू को, टू से जब के लेवल्स डाउन निकालेंगे ना, तो इस रास्ते को ब्लॉक करना है। तो क्या होगा, टू के लिए ब्लॉक क्या होगा, ये वाला रास्ता, फाइव वाला। मीन्स टू के लिए ब्लॉकर क्या होगा, क्या ब्लॉक करेंगे टू के लिए, ब्लॉक करेंगे फाइव को। वन के लिए किसको ब्लॉक करेंगे, टू को। ओके, थ्री के लिए सॉरी, ये टू के लिए ब्लॉक करेंगे फाइव को, वन के लिए ब्लॉक करेंगे टू को, और फाइव के लिए किसको ब्लॉक करेंगे, फाइव के लिए ब्लॉक करेंगे किसी को भी नहीं, क्योंकि फाइव तो खुद खुद में ही वो नोड है ना, जिससे हमें के लेवल्स डाउन जाना है। फाइव तो खुद में वही नोड है ना, तो फाइव के लिए नन, किसी को भी ब्लॉक नहीं। तो चलते हैं, हमारा कोड करते हैं इसके लिए। अब आपको अप्रोच तो समझ में आई हो गई होगी कि हमें क्या क्या करना है। हमें पहले नोड टू रूट पाथ निकालना है। नोड टू रूट पाथ आने के बाद में उसके हर एक नोड से के लेवल्स डाउन निकालना है, इससे टू लेवल्स डाउन, इससे वन लेवल्स डाउन। जब लेवल के लेवल्स डाउन निकालेंगे तो उसमें कुछ ब्लॉक करते हुए भी चलना है। तो जिसमें फाइव के लिए ब्लॉक, टू के लिए ब्लॉक होगा फाइव, वन के लिए ब्लॉक होगा टू, फाइव के लिए ब्लॉक होगा नन। ओके, इस तरह से मैनेज करना है। तो ये हम कोड करते हैं। तो ये रहा हमारा कोड। सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें नोड टू रूट पाथ निकालना था। नोड टू रूट पाथ में नोड पास किया, डेटा पास किया। ओके, अब इस नोड टू रूट पाथ को किसी में स्टोर कर लेंगे। इसके बाद इस नोड, देखिए जब नोड टू रूट पाथ निकालेंगे ना, तो ये नोड टू रूट पाथ में जो नोड्स आएंगी वो उस नोड का डेटा है, नोड का डेटा है। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें वो पूरी नोड्स ही चाहिए। तो हम ये नोड के डेटा को ना लेकर के पूरी पूरी नोड स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो हमने नोड डॉट डेटा हटा दिया, नोड को स्टोर करा दिया। ये जो फंक्शन है ना नोड टू रूट पाथ का, ये फंक्शन एक सेपरेट क्वेश्चन है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया था, आपको ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करता है, तो उसकी वीडियो जाकर के आप देख लेना। ओके, तो यहाँ से नोड टू रूट पाथ आ गया, हमने सारे नोड्स में चेंजेस कर दिए थे ना। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसकी हर एक नोड को, जो भी हमने नोड टू रूट पाथ की नोड्स निकाली, इसकी हर एक नोड को फेच करना है। और आई इन रेंज ऑफ व्हाट, जीरो टू लेंथ ऑफ आंसर। ओके, व्हाट नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, हर एक, जब एक एक नोड आती जाएगी ना, इसके बाद हमें हर उस नोड के लिए के लेवल्स डाउन निकालना है। तो निकालते, फंक्शन क्या है के लेवल्स डाउन का, ये बना हुआ है, इसका भी एक सेपरेट क्वेश्चन है, वो आपको
देखना पड़ेगा उसकी वीडियो, उसकी सॉल्यूशन वीडियो, आप एक बार जा करके देख लेना। प्रिंट के लेवल स्टोन में हम क्या करते थे, एक नोट पास करते थे, के की वैल्यू पास करते थे, उस नोट से के लेवल स्टोन पे वो हमें आंसर दे देता था। तो इस फंक्शन को कॉल करते हैं प्रिंट के लेवल डाउन। इसमें क्या क्या पास करेंगे, इसमें हमारी ईच नोट पास करेंगे नोट टू रूट पाथ की, ओके। और क्या पास करेंगे, के की वैल्यू, बिकॉज ईच टाइम के की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है ना, कैसे देखते हैं इधर, के की वैल्यू इधर पे फर्स्ट नोट के लिए 3 थी, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, तो ईच टाइम डिक्रीज हो रही है ना, तो के माइनस आई। अभी ड्राई रन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉमा एक ब्लॉक नोट भी पास करनी है, किस लिए, क्योंकि जब हम लोग के लेवल्स डाउन प्रिंट कर रहे थे ना, के लेवल्स डाउन इधर से 2 लेवल्स डाउन चाहिए था, तो इधर वाला रास्ता ब्लॉक कर रहे थे, तो हम 2 के लिए 5 को ब्लॉक कर रहे थे ना, 1 के लिए 2 को ब्लॉक कर रहे थे, तो ये वाली वर्किंग करेंगे हम इसमें। तो इनिशियली ब्लॉक क्या था, इनिशियली ब्लॉक कुछ भी नहीं था, मीन्स इनिशियली ब्लॉक था नन, ओके। और ईच टाइम ब्लॉक किससे अपडेट हो रहा था, आंसर ऑफ आई से। तो इतना काम हो गया, अब क्या करना है, अब हमें चेंजेस करने पड़ेंगे प्रिंट के लेवल्स डाउन में भी, तो क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा चीज पास करी है, क्या ब्लॉक, ब्लॉक एक्स्ट्रा चीज है ना, तो यहाँ पे चेंजेस करते हैं। और कंडीशन एक और बढ़ जाएगी, क्या इफ नोड नोड इक्वल्स टू ब्लॉक देन व्हाट विल हैपन, देन वी हैव टू सिंपली रिटर्न, उस रास्ते से रिटर्न कर जाओ, उस रास्ते को जाना ही नहीं है, उस रास्ते में तो जाना ही नहीं है। अगर नोड ब्लॉक मिल गई, वो नोड ब्लॉकर नोड है, तो हमें उस रास्ते में जाना ही नहीं है, रिटर्न कर जाओ, ठीक है। चलो बढ़िया, अब इस केस की बात कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, सपोज हमने नोड पास करी है, वो कुछ है ही नहीं, उस केस में रिटर्न कर दो, इफ नोड इक्वल्स टू नन देन सिंपली रिटर्न, ओके बढ़िया। चलो अब इसको ट्राई रन कर लेते हैं। पहले तो इसको इरेज कर देते हैं, आई होप आपको ये विजिबल होगा, ठीक है, इसे भी इरेज कर देते हैं क्योंकि हम फ्रेश ड्राई रन करने जा रहे हैं, हमें इनकी कोई नीड नहीं है। नोड हमारी क्या थी, 5, लेवल हमारा क्या था 3, ये 5 है, चेक किया 5 से 3 डिस्टेंस के लिए, तो फर्स्ट पार्ट आए, सेकंड पार्ट आए, थर्ड पार्ट आए, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट में एंटर किया, नोड नन है, नहीं है, सेकंड में आए, यहाँ से नोड टू रूट पाथ निकाला, नोड टू रूट पाथ निकाला, हमारे आंसर में क्या आ गया, हमारे आंसर में आ गया 5 2 1, ओके ये आ गया। एक ब्लॉकर नोड बनाई, उसमें क्या रखा, नन, यहाँ तक समझ में आ गया ना, उसमें नन रखा। अब लूप चलाया हर एक नोड को फेच करने के लिए, सबसे पहले फेच हुआ 5 के लिए क्या किया, प्रिंट के लेवल्स डाउन निकाला, के की वैल्यू क्या थी इनिशियली 3, तो यहाँ, और आई की वैल्यू क्या है 0, आई की वैल्यू है 0, के की वैल्यू थी 3 माइनस 0 3, ब्लॉकर में क्या है नन, तो यहाँ से 3 लेवल्स डाउन में चेक करेगा, कुछ मिला, कुछ मिला ही नहीं, तो यहाँ से वापस आ जाएगा, कुछ मिला ही नहीं ना, तो
यहाँ से कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइम के लिए ब्लॉक में क्या अपडेट हो जाएगा, आंसर ऑफ आई, आंसर ऑफ आई क्या था 5, आंसर ऑफ 0 तो ब्लॉक में हो गया 5। ओके फिर क्या किया, फिर आई की वैल्यू अपडेट हुई, आई की वैल्यू हुई 1। फिर से के लेवल्स डाउन निकाला, आंसर ऑफ 1 में 2 है और के की वैल्यू थी 3, 3 माइनस 1 2, ब्लॉकर में 5 आ गया था, 5 गया। के लेवल्स डाउन निकाला ना कहाँ से, 2 नोड से, 2 से 2 लेवल्स डाउन, 2 से 2 लेवल्स डाउन ये मिला 8, इधर भी 2 लेवल्स डाउन ये मिला 9। ठीक है तो 8 और 9 हमारे आंसर्स हो गए। इधर के लिए कॉल लगाई जब 2 के लिए तो ब्लॉकर नोड पास थी 5, जिसकी वजह से ये रास्ता गया ही नहीं। ठीक है ये रास्ता नहीं गया। अब आई ब्लॉकर में फिर से अपडेशन हुआ, आंसर ऑफ आई था हमारा 2, ब्लॉकर में आ गया 2, आई की वैल्यू हो गई 2। आंसर ऑफ 2, आंसर ऑफ 2 में है 1, के की वैल्यू थी 3, 3 माइनस आई, आई की वैल्यू 2, 1, ब्लॉकर में था 2। इसके लिए अब काम करेंगे 1 से 1 लेवल डाउन, 1 से 1 लेवल डाउन तो ये भी है और ये भी है तो इधर आए 3 आंसर। ठीक है इधर के लिए जब कॉल लगाएंगे तो ब्लॉकर में 2 पास है तो इस वजह से ये रास्ता जाएगा ही नहीं 2 के पास, तो वापस आ गए, ये काम हो गया। अब ब्लॉकर में क्या है, आंसर ऑफ आई, आंसर ऑफ आई में क्या है 1, कोई बात नहीं 1 बना रहने दो। ऊपर गए, आई की वैल्यू हुई 3, कंडीशन हो गई फॉल्स क्योंकि आंसर ऑफ लेंथ क्या है 3 तो थी, रेंज में नहीं है ये 0, 1, 2 के लिए तो चेक करेगा, ये 3 के लिए डिस्कार्ड कर देगा, तो वापस आ गए। ये लूप कंप्लीट हो गया, हमारा प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया, हमारे पास प्रिंट होके आंसर क्या आया 8, 9, 3, तुम्हारा आंसर आ गया 8, 9, 3। आई होप आपको ट्रायल रन समझ में आया होगा। अब इस कोड को रन करते हैं, वेरी गुड, हमारा कोड भी रन हो गया, सबमिट करते हैं, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं नहीं तो ठीक है, सारे टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।